जस्ट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। नामांकन प्रक्रिया को लेकर कलेक्ट्रेट छावनी में तब्दील। कन्नौज में तीसरे चरण में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव होना है, जिसके कन्नौज के कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन शुरू होगा, जिसमें विधानसभा के प्रत्याशी नामांकन करेंगे। नामांकन प्रक्रिया को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है। नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्वक कराने के लिए सुबह से कलेक्ट्रेट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया। कन्नौज से जिला संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। तीसरे चरण की प्रक्रिया हुई शुरू चुनाव की। हम बात करेंगे जनपद कन्नौज की, जहां पर प्रत्याशी अपने आज कलेक्ट्रेट परिषद से पर्चे खरीदेंगे। यहां पर 200 मीटर पहले बैरिकेडिंग लगा दी गई, भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। आपको तस्वीरों में हम दिखाना चाहेंगे किस तरह पीएसी भी तैनात की गई। यहां देखिए, आप तस्वीरों में दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरों में दिखाइए किस तरह पीएसी और बीएसएफ तैयार की गई। यहाँ पे भारी पुलिस बल को तैनात किया, उनके समर्थक ना आ पाए यहाँ पर, इसके लिए पहले बैरिकेडिंग लगा दी, जो पर्चे खरीदेंगे वही आ पाए। कन्नौज से तेजस 24 के लिए सीबू सैनी। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।